Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to MJ's Kitchen. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन केक की रेसिपी. मैं इसको ओवन में बेक करूंगी, लेकिन आप चाहें तो इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. पहले केक के लिए चिकन को पकाएंगे. फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है. पैन में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और 1 मीडियम चॉप प्याज. प्याज को सिर्फ 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे. सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है, कलर नहीं देना. प्याज सॉफ्ट हो गई है. अब इसमें ऐड करेंगे चिकन. एक मैंने चिकन ब्रेस्ट ली है और इसको इस तरह से छोटे क्यूब्स में काट लिया है. अब इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे. अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे. अब इसको मिक्स करेंगे और मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट कवर करके पकाएंगे ताकि चिकन जल्दी से टेंडर हो जाए. पाँच मिनट हो गए हैं, ये चिकन हमारी रेडी है. अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ और इसको ठंडा करती हूँ. अब केक के बैटर के लिए बोल में डालेंगे 3 अंडे, 1/2 कप दूध, 3 टेबलस्पून ऑयल. पहले इनको मिक्स करेंगे. अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑलिव्स, 2 टेबलस्पून हरा धनिया. अब इन सबको मिक्स करेंगे. अब इसमें ये चिकन ऐड करेंगे. अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. अभी मैंने ओवन प्रूफ डिश ली है और इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर ली है. अब इसमें ये बैटर डालेंगे. इसके ऊपर चीज डालेंगे. आप मिक्स हर्ब्स छिड़केंगे. आप इसके ऊपर ऑलिव्स लगाएंगे. आप इसको 180 सेंटीग्रेड पे 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे. चिकन केक हमारा बेक हो गया है. अब ये थोड़ा सा ठंडा होता है, फिर इसको पैन से निकालते हैं. ये हमारा मज़ेदार सा चिकन केक रेडी है. आपको रेसिपी अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.